नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मेष राशिफल 2020 को विस्तार से बताऊंगा, यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2020 कैसा रहेगा ये बताते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी की कुंडली देख लेते हैं। 1 जनवरी 2020 को राहु तीसरे भाव में है, मंगल 8वें भाव में है, शुक्र 10वें भाव में, चंद्रमा 11वें भाव में है, तथा 5 ग्रह धनु राशि में बैठे हैं, शनि, सूर्य, केतु, गुरु और बुध। वर्ष 2020 में मेष राशि के 3rd हाउस में राहु गोचर कर रहा है और वर्ष के आरंभ से 18 सितंबर 2020 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेगा। राहु गोचर करते समय 3rd, 6th, 10th और 11th भाव में शुभ फल देता है। मेष राशि के जातकों के 3rd हाउस में राहु गोचर करते समय साहस, पराक्रम में वृद्धि करेगा, एनर्जी लेवल बढ़ा देगा। जातक का शरीर निरोगी रहेगा, मकान, जमीन जायदाद, संपत्ति बनाने की संभावना है, धन लाभ भी होगा। 19 सितंबर से वर्ष के अंत तक राहु वृष राशि में गोचर करेगा। जातक की वाणी में दोष आ जाएगा, कुटुंब परिवार में कलह कलेश होगी और धन हानि की संभावना है। गुरु जन्मकालीन चंद्रमा से 9th हाउस में गोचर करेगा। गुरु चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 2rd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में शुभ फल देता है। गुरु 30 मार्च को मकर राशि में प्रवेश करेगा और वक्री होकर 30 जून को फिर से धनु राशि में आ जाएगा। गुरु 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक मकर राशि में गोचर करेगा। चंद्र कुंडली से गोचर करते समय गुरु मेष राशि के भाग्य भाव में गोचर करेगा। 9th हाउस में गोचर करते समय गुरु शुभ फल देता है, भाग्य अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, रुके हुए काम बनेंगे, धन प्राप्ति होगी। वर्ष के आरंभ में शनि 9th हाउस में गोचर कर रहा है, लेकिन 24 जनवरी 2020 से शनि अपनी शुभ राशि मकर राशि में प्रवेश करेगा और वर्ष के अंत तक मकर राशि में ही रहेगा। मेष राशि के जातकों को नौकरी में उन्नति होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी। जातक अपने कार्य में बहुत मेहनत करेगा जिससे उसे धन लाभ भी होगा। अब बात करते हैं राशि स्वामी मंगल की। चंद्र कुंडली से 8वें भाव में गोचर कर रहा है। मंगल जन्मकालीन चंद्रमा से यानी कि चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 3rd, 6th और 11th भाव में शुभ फल देता है। 5 मई से 18 जून तक मंगल लाभ भाव में गोचर करेगा, जातक के लाभ में वृद्धि करेगा, जातक की मनोकामना व इच्छाओं की पूर्ति होगी, मकान, जमीन जायदाद, वाहन, संपत्ति बनने की संभावना है। शेष भावों में मंगल सामान्य फल देगा। बुध जन्मकालीन चंद्रमा से 9th हाउस में ही गोचर कर रहा है। बुध चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 2rd, 4th, 6th, 8th, 10th और 11th भावों में शुभ फल देता है। 13 जनवरी से 6 अप्रैल तक बुध 10वें और 11वें भावों में शुभ फल देगा। 9 मई से 24 मई तक बुध 2nd हाउस में, 2 अगस्त से 16 अगस्त तक 4थे भाव में, 2 सितंबर से 21 सितंबर तक 6ठे भाव में, तथा 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2020 तक बुध 8th हाउस में शुभ फल देगा। जातक की बुद्धिमता बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, शिक्षा अच्छी होगी। सूर्य वर्ष के आरंभ में चंद्रमा से 9th हाउस में गोचर कर रहा है। सूर्य चंद्र कुंडली से गोचर करते समय 3rd, 6ठे, 10वें और 11वें भावों में शुभ फल देता है।
15 जनवरी 2020 से 13 मार्च 2020 तक सूर्य दसवें और ग्यारहवें भावों में शुभ फलों में वृद्धि करेगा। 15 जून से 15 जुलाई तथा 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक शुभ फल देगा। जातक को धन लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, सरकार से भी लाभ होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। शुक्र चंद्र कुंडली से गोचर करते समय केवल छठे, सातवें और दसवें भावों में ही अशुभ फल देता है, बाकी अन्य सभी 9 भावों में गोचर करते समय शुभ फल देता है। शुक्र 8 जनवरी तक 10th हाउस में, 23 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक छठे और सातवें भाव में गोचर करेगा, जिनमें ये बुरा फल देगा। अन्य सभी भावों में शुक्र साल भर, पूरे वर्ष भर जातक को वाहन सुख, स्त्री सुख और लग्जरियस लाइफ देगा। मेष राशि के जातकों को वर्ष 2020 के पहले 9 महीने बहुत शुभ फलदायक हैं। जातक का जमीन जायदाद मकान से लाभ होगा, मकान का सुख प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, नौकरी में उन्नति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। वर्ष के अंतिम 3 महीने सामान्य रहेंगे। नमस्कार।